हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस। इसके अंदर ये बहुत सारी कॉस्ट जो आप सामने देख रहे हैं ये लगभग हमने सारी कर ली है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के ऊपर एक लेक्चर किया था, जिसमें मैंने शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझाया था और मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट शामिल होती है। आज हम लास्ट लेक्चर के अंदर हम कैलकुलेट करना सीखे थे, अभी भी मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर का मेन पॉइंट रहेगा, मेन फोकस रहेगा कि शॉर्ट रन कॉस्ट जो है उसको कर्व पे कैसे दिखाया जाता है, उसके कर्व कैसे कैसे बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में कर्व काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया और मार्जिनल कॉस्ट हो गया। टोटल 7 कॉस्ट मैंने आपको बताई थी, उसका एक न्यूमेरिकल करके भी बताया था। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देख लेना, लेकिन अभी हम पहले एक और न्यूमेरिकल इसका कैलकुलेट करेंगे। इसमें सारी कॉस्ट कैलकुलेट करना मैं वापस बता रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम इसका एक बढ़िया सा कर्व बना के समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और इसके कर्व कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे आपको दे रखा है आउटपुट, आउटपुट यानी कि यूनिट्स के अंदर दे रखा है कि 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो मैंने फर्स्ट कॉलम आउटपुट का रखा है और इसके अंदर मैं सारी की सारी यूनिट्स को लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसके सामने लिखी हुई है टोटल कॉस्ट। जीरो है ना, तो जीरो भी लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ हमको जीरो भी लेना पड़ेगा। अगर जीरो क्वांटिटी हो तो जीरो है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड में। जीरो पे टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 60। ओके, ठीक है, और 1 पे कितनी लग रही है टोटल कॉस्ट? 80 आपको टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, आपको वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी है लेकिन टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 130 एंड 150। अब आपको पता है कि आगे की कॉलम क्या है? आगे कॉलम आएगा, एक तो आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और हमें पता है इन दोनों को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने से ही क्या आती है? टोटल कॉस्ट आती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब यहाँ देखिए, आपको एक चीज़ और पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, जब हम आउटपुट जीरो कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम कोई भी यूनिट नहीं बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन बंद होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो ही होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। और टोटल कॉस्ट कैसे आती है? टोटल कॉस्ट आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि जब भी प्रोडक्शन नहीं होता है तो मटेरियल लेबर नहीं लगता है। आप कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो मटेरियल लेबर क्यों लगेगा? तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होती है। लेकिन टोटल कॉस्ट हमको यहां दे रखी है कितनी है? 60। तो आप खुद अब टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कि जीरो में ऐसा क्या प्लस करूंगी 60 आ जाए? 60, इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट पूरी की पूरी है वो कौन सी है? फिक्स ही है, क्योंकि वेरिएबल तो जीरो है। तो यहां से मुझे पता चल गया है कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है? 60। अब यहां से एक चीज और आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है शॉर्ट रन के अंदर, तो यानी कि ये हमेशा 60 ही रहेगी, ये हमेशा 60 रहेगी। अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। टोटल 80 है, उसमें से 60 फिक्स है, तो वेरिएबल कितनी होगी? 20। टोटल 100 है, उसमें से 60 क्या है? फिक्स, तो वेरिएबल कितनी होगी? 40। टोटल 111 है और फिक्स 60 है, तो आपकी 51 क्या होगी? वेरिएबल। टोटल 116 है और 60 क्या है? फिक्स, तो इसकी ऊपर वाली क्या हो गई? 56 वेरिएबल। 130 टोटल है और 60 उसमें फिक्स है, तो वेरिएबल कितनी हो गई? 70। यहां पर वेरिएबल कितनी हो गई? 90। ओके, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी मैंने, जो कि टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट मेरे को दे नहीं रखी थी, लेकिन मैंने टोटल कॉस्ट की हेल्प से और फिक्स्ड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाकर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल दी और वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो होती है जब प्रोडक्शन होता है जीरो का। लेकिन यहां पर तो टोटल 60 आ रही है, तो वो 60 कौन सी होगी? फिक्स, और फिक्स हमेशा फिक्स रहती है। ओके, अभी इसी की हेल्प से हम निकाल देंगे आगे की कॉस्ट। अब हमको 3 कॉस्ट और निकालनी है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो आइए हम फटाफट से एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, उसका फॉर्मूला आप बोलो तो मैं इधर लिख देता हूं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी या आउटपुट। टोटल कॉस्ट कितनी है 60, उसमें 0 का डिवाइड करेंगे तो 0। टोटल कॉस्ट कितनी है 80, उसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी है 100, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 50। टोटल कॉस्ट है 111, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 के अंदर 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 37। ओके, फिर आपकी टोटल कॉस्ट है 116, उसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 29। फिर टोटल कॉस्ट है 130, उसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 26। फिर आपकी टोटल कॉस्ट है 150, उसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। 150 डिवाइड बाय 6 करके देख लो पहले, हाँ 25। तो ऐसे कैसे अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये रही, इसमें क्वांटिटी का डिवाइड करना है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 60 है लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो 60 में 0 का डिवाइड करेंगे तो 0, 60 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 60, 60 में 2 का करेंगे तो 30, सीधी सी बात है। 60 में 3 का करेंगे तो 20, फिर 60 में डिवाइड कर दो 4 का तो याद आएगा 15, 60 में डिवाइड कर दो 5 का तो याद आएगा 12, और आप 60 में डिवाइड करोगे 6 का तो याद आएगा 10। अब निकाल देते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 0, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये रही 0, उसमें 0 में 0 का डिवाइड करेंगे 0, 20 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 20, 40 में 2 का डिवाइड करेंगे 20, 51 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17, 56 में 4 का डिवाइड करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 56, उसमें 4 क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस करें तो ये आ जाएगा 14, फिर 70 में डिवाइड करो 5 का तो 14, ठीक है, और 90 में डिवाइड करो 6 का तो आ जाएगा 15। ओके, तो ये आपके क्या आ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे होता है, एक यूनिट ज़्यादा बनाने से टोटल कॉस्ट में होने वाला इंक्रीज, तो एक जीरो से, यहाँ तो जीरो ही रहेगा, जीरो से एक पे आए तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई, 60 से 80 यानी कि 20, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई। यहाँ 1 से 2 पे आए, एक और यूनिट बना रहे हैं तो ये कितनी हो गई 20, 100 से 80 से 100 हो गया ना, फिर 100 से कितना हो गया 111, तो यानी कि कितना हो गया 11, फिर हो गया 116 यानी कि कितना हो गया ये आपका 5, फिर 116 से हो गया 130, ये ज़्यादा हो गया 14, और 130 से 150 हो गया ये आपका 20। तो ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, अब इनको जो है कर्व पे शो करना है। ग्राफ पेपर आपके पास अगर एग्जाम में दे तो उस पर बना सकते हो, वरना आप जो नोटबुक होती है उस पर एक कर्व बना के अपने हिसाब से उसमें इन सारी कॉस्ट को शो करना होता है। तो मैं मिक्स नहीं करूँगा, तीन कॉस्ट को अलग अलग करता हूँ। पहले एक कर्व बनाते हैं, उसमें टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो करते हैं, फिर एक कर्व बनाते हैं उनमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को जो है हम शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर कर्व मेरे पास लाइन खींचने वाला नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि एकदम लाइन सीधी आओ, ठीक है, फिर भी अगर टेढ़ी आ जाए तो थोड़ा सा सॉरी। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका यूनिट्स या क्वांटिटी और इधर आ जाएगी आपकी कॉस्ट। अब मुझे कॉस्ट इस हिसाब से लेनी है, हाईएस्ट कितनी जा रही है, टोटल कॉस्ट 150, तो मैं क्यों ना 50 के हिसाब से ले लूँ, 50 के हिसाब से गैप, मैं 50 का गैप ले लेता हूँ। कहाँ तक जा रही है, 150 पे, तो हम गैप ले सकते हैं 30 का, नहीं 30 का गैप ले लेते हैं, चलो 30, 60, 90, 120, 150, ओके 30 का ले लिया मैंने गैप, ठीक है, ओके 30 का मुझे सही लग रहा है, या थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ बढ़ाएं, क्योंकि इसमें 11 वगैरह भी आएंगे ना मार्जिनल कॉस्ट जब निकालेंगे तब, तो एक सेकेंड हाँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर वेट कराऊंगा, लेकिन हम अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्यों ना मैं ले लूँ यहाँ पर 20 का, 20, 40, 60,
80, 100, 120, 140 एंड 160। हाँ ये ओके। अब यहाँ पर यूनिट हमको जो दे रखी है वही लेनी है। यूनिट हमको दे रखी है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ग्राफ पेपर पे जब बनाते हैं ना तो एकदम एग्जैक्ट आता है, बट यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बस यही बना देता हूँ, ठीक है ओके। तो अब हम टोटल कॉस्ट देखते हैं, 0 पे कितना है 60, ओके 1 पे कितना है 80। तो टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल कॉस्ट को देखते हैं, और पेन ले लेता हूँ उसके लिए मैं कोई दूसरा। टोटल कॉस्ट को देखते हैं हम पर्पल पेन से। तो टोटल कॉस्ट 0 पे कितना है 60, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। और टोटल कॉस्ट 1 पे है 80, तो 1 पे 80 यानी कि यहाँ आ गया। फिर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट 2 पे 100, 3 पे 111। देखो 2 पे कितना 100, आप देख पा रहे हैं ना, 2 पे है 100, 3 पे है 111। 2 पे 100, 2 पे सीधा 100 चले जाओ, और 3 पे 111 थोड़ा सा इसके ऊपर बीच में, यहाँ 120 और 100 के बीच में, और 3 पे यहाँ ओके। 4 पे है आपका 116 और 5 पे 130। तो 4 पे 116, 4 पे है 116 और 5 पे है सीधा 130। तो 140 एंड 130 के बीच में, 6 पे फिर है ये 150 ओके। 6 पे है 150 सीधा 160 से और 140 के बीच में। तो अब आप इस लाइन को मैच करेंगे ना तो आप पाएंगे टोटल कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है, ये कभी डिक्रीज नहीं होता है, टोटल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होता है। ये हो गया आपका टीसी, टोटल कॉस्ट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। अब ऐसे कैसे हम कर्व पे शो करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, आइए ओके। इसके लिए मैं एक और पेन ले लेता हूँ इस बार, चलिए रेड। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को रेड से शो करते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 पे कितना है 60, 1 पे कितना है 60, 2 पे कितना है 60, 3 पे कितना है 60, 4 पे कितना है 60, 60 ही है हर जगह। इसलिए टोटल कॉस्ट जो है वो 0 पे भी 60, 1 पे 60, 2 पे 60, 3 पे 60, 4 पे 60, 5 पे 60, 6 पे। टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए 60। तो ये हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व पे इस तरीके से शो होता है पूरा ओके। और टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इस तरीके से शो होता है क्योंकि हमेशा फिक्स रहता है, टोटल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होता रहता है। टोटल कॉस्ट यहाँ तक तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है, उसके आगे ये जो भी बढ़ रहा है ये इसकी वजह है वेरिएबल कॉस्ट ओके। वेरिएबल कॉस्ट को भी हम शो कर लेते हैं एक बार। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखिए, 0 पे 0 और 1 पे 20। पेन इसके लिए मैं ले लेता हूँ इस बार ब्लैक। 0 पे 0 और 1 पे कितना है 20, 2 पे 40। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है 0 पे 0, 1 पे 20, 2 पे 40 ओके, फिर उसके बाद में 3 पे 51 और 4 पे 56। तो 3 पे 51, 3 पे 51 है यहाँ, और 4 पे 56 लगभग यहाँ पे ओके। और 5 पे वो हो गया 70 और 6 पे 90। 5 पे 70, 5 पे 70 और 6 पे 90। तो आप यहाँ पर वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे तो वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। फर्क क्या है, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो जीरो कभी नहीं था, वो फिक्स कॉस्ट से ऊपर से ही इंक्रीज होता है, लेकिन आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से फिर ऊपर जाता है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्रॉस करता हुआ जाता है ओके। तो ये हमने तीन कॉस्ट शो कर दी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व पे। अब हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को कर्व पे शो करते हैं। तो उसके लिए मैं एक और कर्व बनाता हूँ। आई होप लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, उसके लिए सॉरी, बट अगर कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा वो चीज़। सॉरी लाइन सीधी नहीं आई, हम इसको एकदम सीधी लाइन खींचते हैं
वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ओके, इतना तो चलेगा। ओके सो इस पे हम फटाफट से अभी जल्दी जल्दी से इसके ऊपर हम कौन कौन सी तीन तरह की कॉस्ट इस पे हम शो कर देते हैं। तीन तरह की कौन कौन सी कॉस्ट इसके अपन ऊपर हम शो करेंगे। एवरेज कॉस्ट, चाहे वो टोटल एवरेज कॉस्ट हो, चाहे वो टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, एंड एक चीज़ और वो है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर वही गैप ले लेते हैं जो पहले लिया था मैंने। यहाँ तो ज़ीरो है, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160। और यहाँ ले लेते हैं वही 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आ जाइए, सबसे पहले हम ले लेते हैं जो हमारे सामने पहले आएगी वो है आपकी एवरेज कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट से जो एवरेज कॉस्ट निकालते हैं वो ज़ीरो पे ज़ीरो है, 1 पे 80 है। ये देखिए 0 पे 0 है, 1 पे 80 है, 2 पे 50 है। तो 0 पे 0, 1 पे 80। इसके लिए मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पर वही पर्पल वाला। 0 पे 0, 1 पे कितना था, 0 पे 0 और 1 पे था 80 और 2 पे 50, 1 पे 80, 2 पे 50। नीचे आ गए मतलब। ओके 50 तो यहाँ आ गया, 60 और 40 के बीच में सीधा नीचे आ गया है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है अजीब सा, देखते हैं। एवरेज कॉस्ट 0, 8, 50 ठीक है, फिर आपका 37, 29, 37 और 29। 3 पे 37, 29 यहाँ पे, 5 पे ये आ गया है आपके 26 और 25, 5 पे यहाँ पे आ गया 26। थोड़ा सा कर्व मुझे लग रहा है हम सही नहीं करा है, एक सेकेंड आ वापस से देखते हैं एक बार बेटा। देखो एवरेज टोटल कॉस्ट देखेंगे तो 1 पे है 80, 1 पे 80, 2 पे 50, 1 पे 80, 2 पे 50, 50 आ गया 60 और 40 के बीच में, यहाँ पर 50। 3 पे आ गया फिर आपका, 3 पे कितना है 37, 3 पे 37, 37 तो यहाँ हो जाएगा ना। और 4 पे कितना हो जाएगा, 37 के बाद में 4 पे कितना है, वो है 4 पे है आपका 29, फिर 26, 25। अच्छा 29 यानी कि 30 के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, 29 फिर 26 और उसके बिल्कुल नीचे 25। ये जो है ना, ये देखिए ये है आपका टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है ना शुरू में बहुत ज़्यादा होता है और फिर धीरे 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 आपका एवरेज कॉस्ट जो है ना वो नीचे जाता है। उसकी वजह है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ना तो पर यूनिट कॉस्ट हमें कम पड़ती है। ओके पर यूनिट कॉस्ट हमें कम पड़ती है क्योंकि उसकी वजह होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके ठीक है, एक यूनिट बनाएंगे तो 60 रुपये लगेंगे, दो यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट 30 रुपये ही है। तो एवरेजली जो है एवरेज कॉस्ट हमेशा नीचे जाती है। उसकी वजह है ज़्यादा प्रोडक्शन करने से हमें प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, ये आपने सुना भी होगा। ओके नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, 0, 60, 30, 20, 15, 12 और 10। तो 60, 30 और 20, 1 पे है 60, 1 पे 60, 2 पे फिर 30 और 60, 30, 20, 15, 12, 20, इधर 20 आ गया,
फिर 15 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 11। तो ये जो है ये है आपका कौन सा कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे होता है, पर यूनिट डिक्रीज होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जाएगी, है ना। उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है, टोटल नहीं, एवरेज फिक्स जो कॉस्ट जो है पर यूनिट कम आएगा। और फिर है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो है 0 20 20 17 14 14, 0 फिर 20 20, ये पहले यहां बड़ा था, ठीक है। यहां हम कर लेते हैं फिर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो होगा यहाँ से 0, 0 से फिर गया 20, फिर वापस 20। ये वेरिएबल कॉस्ट को देखना, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20, 17, 14, 14, 15, 17, 14, 14, 15। फिर नीचे आ गया यहाँ पर थोड़ा सा 17, फिर और नीचे आ गया 14, फिर वापस 14, और फिर ये हो गया आपका 15, थोड़ा सा बढ़ गया वापस। थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये जो है ये है आपका वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखिए आप, पहले बढ़ा, फिर धीरे कम हुआ, फिर वापस बढ़ने लग गया, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 0 20 20 11 5 14 20, तो 0 20 20 11। तो इसके लिए मैं दूसरा कोई पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, ऑरेंज ले लेते हैं, 0, फिर वही 20 20 11, फिर आ गया 20 20, फिर आया 11 5 14, 11, फिर 5 5, तो बहुत नीचे आ गया यहाँ, 5 के बाद में 14 और 20, फिर वापस बढ़ गया 14, और फिर चला गया वापस 20। तो ये देखिए, ये है आपका कुछ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ये सब मिक्स इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ये गैप जो है ना बहुत कम लिया है। अगर मैं यहाँ पर गैप ले लेता ना 2 का या 5 का, तो ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखता आपको, वो आप खुद करके देख सकती हैं। मैंने यहाँ पर ट्राई किया आपको इन सब कॉस्ट को कर्व पे कैसे दिखाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।